पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हाथरस से बड़ी खबर है, अवैध शराब बेचने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। पुलिस ने 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। झगड़े में शामिल लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और पुलिस ने अवैध शराब भी बरामद की है। कोतवाली सदर के रोडवेज बस स्टैंड के पास की यह घटना बताई जा रही है। हाथरस में अवैध शराब बेचने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 घायलों को फिलहाल पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली सदर के रोडवेज बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। साथ ही साथ पुलिस ने अवैध शराब भी घटनास्थल से बरामद की। तो हाथरस में दो पक्षों में विवाद हुआ है अवैध शराब को लेकर, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और हाथरस से हमारे संवाददाता सूरज मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ के तमाम जानकारी के साथ में। सूरज, जो घटना हुई है, बताया जा रहा है कि दो पक्ष अवैध शराब को लेकर आपस में भिड़ गए, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 6 लोगों को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास का है, जहां देर रात दो पक्षों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि अवैध शराब एक माफिया बेच रहा था, जिसको रोकने पर टोकने पर उसने दूसरे पक्ष पर पथराव और मारपीट शुरू कर दी। वहीं पथराव और मारपीट से वहां मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद वहां जब घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि मामला पूरा आपको बता दिया जाता है कि ये पूरा मामला शराब बेचने को लेकर हुआ, अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद वहां मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार करते हुए अस्पताल में भर्ती कर लिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध शराब माफिया के घर पर छापेमारी की, जहां से कई हजार रुपए की शराब भी बरामद करी। पुलिस भारी पुलिस बल मौजूद रहा और पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया, और हालांकि इस पूरे मामले की पुलिस छानबीन भी कर रही है। जी सूरज, फिलहाल अभी पुलिस ने इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? पुलिस ने लगभग इस पूरे मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई जो करनी है वो कार्रवाई कर रही है। मगर हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे एक अवैध शराब बेच रहा है माफिया, किस तरह शराब बेच रहा है, क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं पड़ती है? पुलिस को वहां के लोग सूचना भी देते हैं कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, अवैध तरीके से शराब बेच रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता इसमें नजर आती है। जी सूरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथरस की घटना है, जहां पर अवैध शराब बेचने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, दर्जन भर से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 6 लोगों को फिलहाल पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।